हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर नवेद अकबर। और लास्ट वीडियो में हमने सम बेसिक स्टेप्स डिस्कस किए थे ट्रांसक्रिप्शन के। अब हम इसमें ट्रांसक्रिप्शन का देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन में जो प्रमोटर पार्ट होता है, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट जो है तीन सेक्शन में डिवाइड होती है, प्रमोटर, टर्मिनेटर और स्ट्रक्चरल जीन। तो हम पहले प्रमोटर को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज प्रमोटर। प्रमोटर क्या होता है? प्रमोटर इज अ रेगुलेटरी रीजन ऑफ अ डीएनए लोकेटेड अपस्ट्रीम ऑफ अ जीन। जो प्रमोटर है एक ऐसा रेगुलेटरी रीजन है डीएनए का, एक ऐसा पार्ट है या एक ऐसा सीक्वेंस है जो जीन के अपस्ट्रीम में प्रेजेंट होता है और क्या करता है, एक तरह से कंट्रोल पॉइंट होता है किस चीज का, जीन एक्सप्रेशन का या ट्रांसक्रिप्शन का एक कंट्रोल पॉइंट होता है प्रोमोटर। इसी प्रोमोटर के जो सीक्वेंसेस होते हैं उसको आइडेंटिफाई करके जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रोटीन आके बाइंड करते हैं, जिनको हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बोलते हैं। प्रोमोटर के सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करके जो प्रोटीन आके बाइंड करते हैं ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में, उनको हम ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स बोलते हैं। ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर जो हैं क्या काम करते हैं, ये रिक्रूट करने का काम करते हैं किसको, आरएनए पॉलीमरेज को। तो हम देखते हैं पहले प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर। ये जैसे कि हमारा एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए का सीक्वेंस है, ये जैसे हमारा स्टार्ट साइड है, ये इनिशिएशन वाली साइड है। इससे जो इधर की तरफ को अगर हम चलेंगे, ये वाली साइड, इसको हम बोलेंगे अपस्ट्रीम और ये जो है ये कहलाएगा डाउनस्ट्रीम। और यहां जो जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है, ये वाला जो पार्ट होता है ये कोडिंग सीक्वेंस कहलाता है, कोडिंग सीक्वेंस। तो इसमें जो मेन -10 पे जो सीक्वेंस 6 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं TATAAT, जिसको हम प्रिग्नाव बॉक्स कहते हैं। दूसरा -35 रीजन पे अदर 6 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं TTGACA। ये 6 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज जो है यहां आके बाइंड करता है और इस तरह से जो है प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन है उसका इनिशिएशन होता है। दूसरे हम आते हैं यूकैरियोटिक प्रोमोटर्स पे। यूकैरियोटिक प्रोमोटर्स कई टाइप के होते हैं और बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसमें जो मेन है वो है टाटा बॉक्स, जो कि -31 और -25 रीजन पे डाउनस्ट्रीम पे प्रेजेंट होता है, सॉरी अपस्ट्रीम पे प्रेजेंट होता है। यहां जो इनिशिएशन साइड है हमारी, जहां से हमारा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, उससे थोड़ा सा जस्ट पहले एक BRED रीजन होता है और इधर होता है एक BREU। BREU से मतलब है BREU यानी अपस्ट्रीम, BRE यानी डाउनस्ट्रीम। इसके बीच में प्रेजेंट होता है हमारा टाटा बॉक्स। टाटा बॉक्स जो है एक जनरली जितने भी ज्यादातर में जो जीन्स का एक्सप्रेशन होता है, जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, वो टाटा बॉक्स के थ्रू होता है। तो टाटा बॉक्स पे जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यूकैरियोट्स में कई तरह के होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर DABEF और H। तो TF2D यहां पे आके जो TF2D आके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर TF2D आके बाइंड करता है और आरएनए पॉलीमरेज को रिक्रूट करता है। दूसरा इसमें जो थोड़ा सा जो BRE रीजन है, इस पे ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर TF2B आके बाइंड करता है
इसी तरह से इससे थोड़ा सा और ऊपर को चले तो सी सी ए ए टी रीजन होता है, जिसमें जो -100 और -60 जो है अप स्ट्रीम पे प्रेजेंट होता है। ये अलग अलग रीजन जो है, इससे पहले और भी एक रीजन होता है जिसे जी सी रीजन बोलते हैं। तो ये सारे जो रीजन है ये अलग अलग टाइप के जो है जीन्स को प्रोटीन्स को रिक्रूट करने का काम करते हैं। तो ये थे आपके प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर्स एंड यूकैरियोटिक प्रोमोटर्स। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रोमोटर क्या होता है। प्रोमोटर एक ऐसा रीजन है डीएनए का, एक ऐसा सीक्वेंस है जो जीन के अपस्ट्रीम पे लोकेटेड होता है, जो कि एक जिसपे प्रोटीन जिसको रिकॉग्नाइज करते हैं उन प्रोटीन्स को ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बोलते हैं। और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है आरएनए पॉलीमरेज को रिक्रूट करने का काम करते हैं। इसके बाद जो है हमारी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है वो इनिशिएट करती है। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप यू लाइक माई वीडियो। और जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल व्हील ऑफ नॉलेज। और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसका प्रोसेस देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कैसे होती है। थैंक यू।